हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी है। इस वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं कि वीडियो क्लास 9th का जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 8 में जो स्टूडेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज जो चैप्टर है वो क्लास 8 का चैप्टर है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो एएमयू में आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो एएमयू में जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जामिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीएचयू के लिए, केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय, तो बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं क्लास 9th में उन सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, देन आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की, आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो 1 अपॉन x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको इसको राइट में देखें, आपको क्या निकालना है, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x जो दिया है उसको हमें लिख लेना है। ये कितना दिया, 14 दिया है। अब आपको यहाँ लिखना है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं फॉर्मूले, तो आप इसको याद कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, मैं अभी क्यूब वाले फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये दोनों फार्मूले अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लें। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ए प्लस बी और a माइनस बी होती है, ये इन टू में है, ठीक है, दो फैक्टर्स के, ए प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ अगर मैं ऐसा करता हूँ कि प्लस 2 ऐड कर लूँ और माइनस 2 ऐड कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने जो ऐड किया है वही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी यहाँ देखें आप, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर को अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो 2 इंटू 1 अपॉन एक्स कट जाएगा। तो ये जो वैल्यू, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो ये 2 को इधर ले जाएंगे आप, तो 2 इधर जाके 14 प्लस 2 16 हो जाएगा और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की चाहिए, तो एक्स डिवाइड बाई 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट में 16 हो जाएगा, और अंडर रूट को जब बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस आपका लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मान लो कि आपको जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, है ना। तो अगर आपको ये दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही दिया होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अगर ये दिया है तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी डायरेक्ट, अगर हम इसको ए कह दें, अगर ये वैल्यू ए के बराबर है तो ऐसे क्या होगा, ए और आपको क्या कर देना है, प्लस 2 कर देना है। अगर मुझे यहीं से अगर वैल्यू निकालनी है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तब आप क्या करेंगे, एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम जो है वो माइनस करेंगे, क्या कर देंगे, हम ए माइनस 2 कर देंगे, और बाहर तो हमारा प्लस माइनस हो गई, ये प्लस माइनस, और अंदर होगा ए माइनस 2, क्योंकि उसमें माइनस, अगर मुझे माइनस बनाना होता तो मैं क्या करता, इन दोनों को और माइनस 2 को एक साथ लेता, इस 2 को इधर ले जाता तो 14 माइनस 2 हो जाता, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि ए प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकलवाई तो क्या हो जाएगी आपकी, प्लस माइनस 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो 3 दिए, आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है। तो ये बहुत ही आसान है, आप क्या करें, इसको स्क्वायर कर दें, तो हम कर लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए जब आप कंपटीशन में करें तो आप ये सब नहीं लिखें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आप जो है वहाँ थोड़ा ये चीज़ लिखें, क्योंकि आपको कोई सब्जेक्टिव थोड़ा पेपर है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, वरना अगर मैं मान लो कि मैं कंपटीशन होऊंगा तो उस क्वेश्चन कैसे करूँगा, मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ तो मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर करूँगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने में मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर कितना, 9 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आगे मैं आगे भी सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सीधे ये करके मैं अपने माइंड में ही सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, 9 माइनस 2 इतना 7 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, तो इसका स्क्वायर करें, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 के तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये नहीं आपका,
इसका टू नाइन, तो x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन माइनस टू, तो ये वैल्यू कितनी आ गई सेवन, तो सेवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपको बताना है। मैंने अभी आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये समझ गया आप। अब देखिए 99.7 इंटू 100.3 ये आपको पता होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 100 माइनस 0.3 लिख लेंगे, यहाँ पर जो जितना कम है उतना यहाँ ज़्यादा हो रहा है 0.3, तो इसको क्या लिख लेंगे 100 प्लस 0.3, तो इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, इसको a और b, तो ये क्या है a माइनस बी और a इंटू बी का फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर 40 आ जाएगा माइनस 0.9 मत कर देना आप, ये गलत हो जाएगा, 0.9 नहीं होगा 0.09 होगा, क्योंकि 0.3 इंटू 0.3 आप कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो 9, लेकिन पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो आपका क्योंकि एक से भी कम को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक तो ये आएगी और प्लस वो 0.191 आ जाएगी, इसका मतलब आंसर क्या होगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आप गलती होने के चांस ज़्यादा हैं, तो हम गलत मत कर देना। इस क्वेश्चन पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी, देखिए फॉर्मूला आ गया वही वाला, तो इसको हम क्या लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ बीच में क्या प्लस है तो प्लस मैंने लिख दिया, फिर ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस फिर आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब आप मुझे बताओ ए स्क्वायर सी स्क्वायर से सी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई जीरो, कितना आसान आंसर है और आप इसको गलत कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखें इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो। इफ़ एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव है और एक्स वाई की वैल्यू 36 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका 5 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 25, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2xy, तो यहाँ से कितना हो गया ये 25 हमने प्लस किया और एक्स वाई की वैल्यू कितनी 36, 36 इंटू 2 करेंगे तो 72 हो जाएगा, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 72 प्लस, इसको आप ऐड करेंगे तो चाहे आप इस तरह से ऐड कर लें, इस तरह से ऐड ना करें तो आप इससे ऐड करा करें, यूनिट को यूनिट से ऐड करना है तो आपका 7 हो जाएगा, फिर जो डेसिमल पार्ट है जो टेंस डिजिट पे है उसको आपको जो है वो ऐड करना है, तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, 97 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू आपको बताना है, ए क्यूब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले आपको दे दिया, तो इसका मतलब आपको वो सारे फॉर्मूले याद करना है, मैं आपको एक मिनट सारे फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ, आप याद कर लेना। ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी होता है ये, अब क्या करेंगे इसको ओपन कर देते हैं, अगर मैं अंदर ओपन कर दूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे ही रहेगा, प्लस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर a से इन इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर ये हो गया। अब एक फार्मूला और होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी। अब इसको दोबारा देखिए, या तो ये ऊपर वाला है या फिर नीचे वाला है, बात एक ही, दोनों सेम हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस यहाँ तक ना प्लस आ गया यहाँ पर उसकी वजह से, ठीक है। अब यहाँ एक फार्मूला और होता है, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये फार्मूला होता है, तो यहाँ होता है a प्लस बी प्लस सी और अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आपका हो गया, ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब देखिए यहाँ से और लिख लेता हूँ मैं, बल्कि इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये इसको आप ध्यान रखें और इस वाले पे फोकस करें, यहाँ से हम मैं दोबारा लिख लूँ उसको, नहीं दोबारा नहीं लिख रहे क्योंकि स्पेस नहीं है, इस वैल्यू को देखो आप, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ इधर लेफ्ट में ए क्यू प्लस बी क्यू और बाकी को मैं इधर ले आता हूँ, बाकी जितनी वैल्यू है, तो इधर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab,
ए प्लस बी, हो गई। ध्यान दें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से a प्लस बी को जो है वो कॉमन ले ले रहा हूँ, दोनों जगह से a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ तो मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, ठीक है। यहाँ बच जाएगा a प्लस बी, और अंदर ओपन कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस थ्री ए बी। तो ये जो फॉर्मूले जो है वो इस तरह से आया, ये वाला a प्लस बी का बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ क्या होगा माइनस ए बी होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन फर्स्ट में ए प्लस बी के केस में क्या है, ए प्लस बी के केस में ए प्लस बी पहले, तो ए माइनस बी वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे यहाँ पर, ए माइनस बी अगर वाले अगर आप लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक है, तो इसमें दो के बीच में क्या है प्लस है, तो ये नहीं होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ से लें, यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू की, क्योंकि हो सकता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू को आ जाए, आपको ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ लिया गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का भी आ सकता है, तो ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी, बल्कि माइनस क्या ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें निकालना है, और ये पूरा पोर्शन अगर लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए, तो यहाँ से ए माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचा, तो उसको ओपन कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस थ्री ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका हो जाएगा, समझे। तो यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी होगा और अंदर सारे पॉजिटिव होंगे, ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए प्लस बी होगा बट अंदर यहाँ नेगेटिव होगा, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें, तो इसका आंसर आपको पता चलेगा, डी आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन देखें, इफ ए प्लस बी आपका कितना है टेन है, ए बी कितना है हमारा ट्वेंटी वन है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वो आपको यहाँ बतानी है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, वही करना है जो एक्स वाई वाला आया था, ए प्लस बी लिख लीजिए आप, इसको स्क्वायर करना है बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख देंगे टेन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू आपका हंड्रेड हो जाएगा। अब आपको पता है ए बी की वैल्यू कितनी ट्वेंटी वन है, तो ये आपका कितना हो गया हंड्रेड माइनस टू इंटू ट्वेंटी वन कितना फोर्टी टू हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 58, 58 इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो 100 माइनस 42, 58 इसका आंसर है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर कितना है 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो कितनी दी है 2 दी है, y की वैल्यू कितनी 1 दी है और z की वैल्यू कितनी दी है माइनस 3। तो आपको बताना है कि आपको वैल्यू बतानी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि चलिए मैं a के फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और आगे जो था ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके समथिंग समथिंग, वो आप देख लेना। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है a प्लस बी प्लस सी, है ना, और बाकी ये हो गया। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी करें मतलब x प्लस वाई प्लस जेड आप करें, तो x प्लस वाई प्लस जेड निकालने की कोशिश करो, तो यहाँ क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड होगा, x 2 है, y कितना 1 है और ये 3 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 3, मतलब ये वैल्यू क्या होगी 0। अगर मैं इसको 0 कर दूँ, इसको 0 कर दूँ, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है 0, मतलब हमारा क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ आपको बताना, ये दोबारा रिपीट हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं, इसको सॉल्व करें क्या होगा इसका, आपका पहले क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला, इसके लिए ये आ गया और इसके लिए क्या आ गया ये वाला आ गया, तीनों के लिए हो गया। यहाँ से फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी, समझ गए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ एक्स माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू थ्री, देन आपको बताना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप
कैसे करेंगे, ध्यान दें, ध्यान दें, इसको क्या हो जाएगा आपका x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना 3 है। आप इसको स्क्वायर करें बोथ साइड, आपका देखिए आपको लानी है x की पावर 4, स्क्वायर लाना होता था तो हम एक बार स्क्वायर करते थे, इसमें क्या करना है दो बार स्क्वायर करना है। इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस टू आएगा इधर जाके क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा देखिए, ये वैल्यू 9 आ जाएगी, यहाँ से माइनस टू आगे इधर आके क्या होगा राइट साइड में आके उसको हम 11 कर देंगे। यहाँ पर जो माइनस टू आया था उसको हम इधर ले गए, समझे, इधर ले जाके हमने क्या कर दिया उसको प्लस कर दिया, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम दोबारा इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग, बोथ साइड करते हैं स्क्वायरिंग, ठीक है, जब भी आपको स्क्वायर करना होगा बोथ साइड करेंगे आप, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ जो हमने स्क्वायर किया क्या हो जाएगा ये, अब देखिए एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 बचेगा ये, क्योंकि 2 एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर कट गया, 11 का कितना हो जाएगा 121। अब क्या करना है आपको, इसको इधर ले जाना है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो बहुत ही आसानी से ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 121 माइनस 2, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई 119, तो 119 इसका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर विल बी 119। ओके आई थिंक यू गॉट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल नहीं है ये, क्या नहीं है पॉलीनोमियल, तो पॉलीनोमियल के लिए कंडीशन होती है, जब मैं आपको पॉलीनोमियल पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ बताऊंगा कि पॉलीनोमियल्स के लिए कंपलसरी होता है कि जो हमारा वेरिएबल है ना, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो पावर शुड बी इन होल नंबर, शुड बी इन होल नंबर, होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है, वो कैन नॉट बी पावर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, पावर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, आई थिंक गॉट इट, आई थिंक यू गॉट इट। देखिए आप एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की पावर 1 है या 2 है, ये हो जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, ये भी हो गया पॉलीनोमियल। यहाँ देखिए अच्छा ये देख के आपको लगता है अंडर रूट में, लेकिन ये बाहर आके एक्स हो जाएगा पावर 1 हो जाएगी, ये 2 हो गई, ये भी है, और ये देखिए अंडर रूट में, तो बाई की पावर यहाँ कितनी, बाई की पावर 1/2 है, तो ये फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू इतनी दी है, बी की वैल्यू इतनी, देन द वैल्यू ऑफ आपको इतनी बताना है, कितना आसान है, वही फॉर्मूले लगाना है बार बार, ठीक है, ए की पावर 4 है ये माइनस बी की पावर 4 है डिवाइड बाई आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आपको फॉर्मूला अगर अच्छे से आता होगा तो आप लगा लें, देखिए इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एम की पावर, एम की पावर लिख लो आप एक्स की पावर एम एन लिख लो ज़्यादा अच्छा, एक्स की पावर अगर एम की होल पावर एन होता है तो उसको हम लिखते हैं एक्स की पावर एम एन, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो 2 × 2 कितना जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइड में आपका क्या हो रहा है यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ से ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं, मतलब इसको एक मिनट के लिए ए मान लो इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी हो गई और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से होगा क्या कि ये कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो गया तो आपका बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो a प्लस बी क्या होगा आपका 0.87 प्लस 13 ये 1 हो जाएगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.87 माइनस 0.13 मतलब आपको 87 से 13 सब्ट्रैक्ट करना है कितना आ जाएगा 74 मतलब 0.74 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हमारा, ये वैल्यू आपको निकालनी कितना आसान है, आपको एक बार स्क्वायर करना है, तो इसको आप क्या करें स्क्वायर करें, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, क्योंकि राइट साइड में भी स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 इसकी वैल्यू कितनी 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कहना है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, आपको निकालना है कि दो नंबर दिए हैं, ये नंबर ए है और ये नंबर बी है,
मान लेते हैं डिफरेंट निकालना है स्क्वायर में का, तो मतलब आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1002 का स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो आपको क्या करें, एक बार आप इनको ऐड कर दें और एक बार आप इनको क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा 1002 माइनस 998। तो देखिए यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आप ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 2000 और इनटू आपका कितना हो रहा है, ये 4 था, ये 4 बचा ना, 4 ये 4 आएगा, तो 4 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा 8000 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू स्क्वायर, सेम क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या निकल मारा है, 998 का होल स्क्वायर और माइनस 992 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बताइए आप। तो यहाँ से आप करेंगे तो 998 प्लस 992 ए प्लस बी कर लें और 998 माइनस 992 इसको सेपरेट कर दें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो गया 8 प्लस 2 10 और 99 18 19 और इनटू ये आपका होगा 6, तो आपका कितना हो जाएगा 60। तो आप देख लें 40 किस मारे लास्ट में, सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपका, आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिर भी आप कर लेते हैं। 54 प्लस 5 59 हो जाएगा, 5 6 व्हेन द 6 और 5 11, तो 11940 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इतने ही क्वेश्चन इसमें आए अभी तक। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है और आप ध्यान रखिए, मैं अलग से लिख रहा हूँ, ए प्लस बी और ये a माइनस बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, 2 3/2 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर और 3 3/2 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, ये तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। करेंगे कैसे इसको, क्या करें आप, इनको दोनों को ब्रैकेट में ले लें, 3/2 प्लस रूट 6 3/2 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मत लगाना मत भूलना, आप गलती हो जाएगी नहीं तो, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा 9/4 माइनस 6 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, ठीक है इसका स्क्वायर हो गया। अब देखें यहाँ से जो है ये 6 हो गया और ये आपका हो जाएगा 9/4 आपका आ गया, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई डिवाइड में, तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ऊपर कितना हो रहा है आपका 9 माइनस 24 करोगे तो कितना आ जाएगा 24 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का आएगा, ये वैल्यू माइनस में ऊपर आ रही है कितनी 15 हो जाएगा 15, हाँ सही, -15/4 -15/4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 225 और डिवाइड बाई 16 इसका करेक्ट आंसर है, तो 225 हाँ ये आ गया आपका डी इज द करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और लास्ट में हाँ, तो अब हमारी जो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, तो लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर हूँ, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर जो है वो यूपीएससी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ, यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम है, आईएएस के सी सेट के एग्ज़ाम बनाता हूँ, और यहाँ पर जो है वो मेरा रेफरल कोड ही है, अगर आप कोई भी कोर्स बाई करना है वहाँ पर उसके लिए ये। और अभी जो है वो ये, अगर आप लैपटॉप वगैरह में देख रहे हैं तो आपको इस तरह की मिलेगी प्रोफाइल, तो यहाँ पर एक फॉलो कलर का बटन होगा, फॉलो लिखा होगा, उस पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो यहाँ से भी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक इस तरह का आपको कुछ डेटा मिलेगा, कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं वहाँ पे, इसमें एक तो ये है जो रिकमेंडेड बुक लिस्ट जो है, आप इस पर क्लिक करके ज़रूर देखें कि कौन कौन सी बुक्स मैंने सजेस्ट की, आपको भी परचेज़ नहीं करना है, मैं भी परचेज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है, उसके लिए मैं बाद में आपको बताऊँगा कौन सी सही बुक है मार्केट में। कभी कभी क्या होता है कि लास्ट ईयर से ज़्यादा अच्छी इस बार कोई नई बुक आ जाए तो आप उसको परचेज़ करें, अदरवाइज़ परचेज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं। आप जो है टेलीग्राम पर मैंने ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है, ये वाली लिंक है स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, इसको आप ज्वाइन कर लें अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूं, या फिर
आप कोई भी मैसेज वगैरह करना चाहते हैं, कोई भी मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो एक तो आप यहाँ कर सकते हैं, दूसरा आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ये जो है वो चैनल है, मैंने UPSC अकेडमी बनाया है, मतलब टेलीग्राम पे भी, इसको भी आप जो है वो ज्वाइन कर लें। और अनअकैडमी जो ये अनअकैडमी है, इस पर डायरेक्ट जाने के लिए मैंने एक लिंक दे रखी है नीचे, तो इस लिंक पर आप जो है वो क्लिक कर सकते हो, डायरेक्टली आप कहाँ चले जाएंगे अनअकैडमी पर, और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी, मैंने वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जो है वो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।